बाद अंडमान की आइलैंड के खूबसूरत नजारों के बीच हम आपको लेकर आए हैं कुछ ताजा तरीन खबरें अंडमान हर पल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट की, जहां मछली और सब्जी व्यापारियों की सुविधा के लिए ट्रक पार्किंग का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि ट्रक पार्किंग का शिलान्यास पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के गणेशन के द्वारा किया गया। अब जल्द ही पोर्ट ब्लेयर की वार्ड संख्या 7 के जंगली घाट में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मछली और सब्जी मंडी के पास ट्रक पार्किंग के विकास का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से यहां की आवाम ट्रक पार्किंग की मांग कर रही थी, जिसके बाद नगर पालिका के अध्यक्ष ने विकास का शिलान्यास कर लोगों को एक और सहूलियत दी है। एक वो भी एक जो प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया, इंडस्ट्री में पैसा आ गया है, करेंगे। सेलेक्ट रोड जो है मुर्शाबाद में जगह हो गया, अभी आपने अपना दुकान का मत बकरी बकरा ये सब काटने नहीं सकते, मुर्गी सब सब जो है वहाँ एक जगह से कटिंग करके ले जाएंगे। उसके लिए एक बहुत बड़ा 12 करोड़ में जो एक प्रोजेक्ट होगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको करीबन 20,000 स्क्वायर मीटर उसके लिए भी जमीन दे चुका है। बहरहाल नगर पालिका अध्यक्ष ने ट्रक पार्किंग का शिलान्यास तो कर दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये पार्किंग कब तक बनकर तैयार होती है। TV24 जॉन रॉबर्ट, अंडमान। वहीं अंडमान में 65वें वन महोत्सव के मौके पर पर्यावरण एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में रस्मी पौधारोपण समारोह के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट AK सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। अंडमान के बुकरा शाहबाद के महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में रस्मी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल सहित मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। गौरतलब है कि 65वें वन महोत्सव के मौके पर पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी इस मौके पर कई कार्यक्रम पेश किए। उत्तरी राज्यों में जिस तरह से नशे का क्रेज युवाओं में पनप रहा है और इस नशे ने युवाओं को अपनी जद में लिया है, तो वहीं दूसरी ओर अंडमान भी इससे अछूता नहीं। यहां बार्स में अवैध रूप से नशा युवाओं को परोसा जाता है, जिससे युवाओं के जीवन के साथ साथ उनका भविष्य भी नशे की अंधेरी गलियों में खोता जा रहा है। साथ ही बार्स में मासूमों से काम भी करवाया जाता है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चे बार्स में शराब परोसते नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बार्स में बच्चे काम करते हैं। जहां द्वीपों में एक तरफ नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अंडमान के डिगलीपुर क्षेत्र में ऐसा भी एक बार है, जहां बच्चों द्वारा बार का संचालन और शराब वितरण का काम जोरों से चल रहा है। शराब वितरण के लिए स्कूल छात्रों से काम लिया जा रहा है, जो पूर्णतः अनैतिक है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है, जो कि एक बड़ा सवाल है। प्रशासन इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही, जहां तक लगता है कि राजनीतिक प्रभाव भी इसका मुख्य अंग हो सकता है। यूं तो अंडमान के ट्राइबल इलाके में जाने के लिए पास बनाए गए हैं, लेकिन इन पासेस को अब और भी सरल बनाया जाएगा। जी हाँ, इसी संबंध में सांसद विष्णु पादारे ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और पासेस को सरल बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि पासेस के कठिन होने से ठेकेदारों और अन्य लोगों को ट्राइबल इलाके में काम करना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए पास को थोड़ा सरल करने की मांग की गई है। अंडमान निकोबार एक ट्राइबल इलाका है और यहाँ पर भारी तादाद में ट्राइबल हैं, लेकिन ट्राइबल इलाकों में जाने या काम कराने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। प्रशासन ने इन इलाकों में जाने के लिए पास बनाया है, या यूं कहें कि बिना पास के इलाके में कोई भी ठेकेदार या निकाम करना वर्जित है, जिसके लिए अब सांसद ने पास को सरल बनाने की मांग की है। इसी के तहत उपराज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। कार निकोबार जिले में काम कर रहे ठेकेदारों के तहत काम करने के लिए आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से आदिवासी पास की मांग कर रहे हैं, जो मुख्य भूमि से आए नए मजदूरों को पोर्ट ब्लेयर में किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र निर्माण करने के लिए आवश्यक है।
वहीं सांसद का ये भी कहना है कि पास के नवीनीकरण न होने से मजदूरों को जेल में कैद किया जाता है, जिससे मजदूरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल से जल्द पास को सरल बनाने की मांग की। TV24 जॉन रॉबर्ट, अंडमान। पूरे उत्तर भारत में मॉनसून के आने से लोगों ने भारी गर्मी से निजात पाई है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश अंडमान के लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी हां, आलम यह है कि बारिश के चलते जहाज यात्रा में निलंबन हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं शिपिंग में असर पड़ रहा है। चल चलाती गर्मी ने बारिश की बूंदों से राहत तो दिला दी, लेकिन बारिश उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों सहित अंडमान के लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। बारिश के चलते अंडमान में जहाज यात्रा में निलंबन हो रहा है, तो वहीं शिपिंग पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रशासन ने भारी बारिश के चलते ये ऐलान भी किया था कि आम लोग और मछुआरे समंदर किनारे ना जाएं। बताया जा रहा है कि चैथम, बम्बू फ्लैट सहित अन्य जगहों पर भी नौका सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिससे शिपिंग के कारोबार पर असर पड़ रहा है। वहीं विभाग ने जनता से पूरा सहयोग करने की भी अपील की है। TV24 जॉन रॉबर्ट, अंडमान। और बात करते हैं कॉलेजेस में होने वाले नए छात्रों के एडमिशन की। जी हां, अंडमान के सभी कॉलेजेस में मैरिट की अंतिम सूची 11 जुलाई को जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद छात्रों की काउंसलिंग 14 जुलाई को होगी। वहीं अपने एडमिशन के लिए स्कूल से पास आउट हुए छात्र भी खासी बेचैन हैं। वहीं नए सेशन 16 जुलाई से लागू होंगे। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में 14 जुलाई को स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसमें इलाके के लिए सुपर विशेषज्ञों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि गरीबों और दूर दूर के लोगों को स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती, लिहाजा 14 जुलाई को इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका लाभ सभी वर्ग के लोग ले सकेंगे। अब बात करते हैं सैनिटरी स्टोर की खरीद में की गई धांधली की। पोर्ट ब्लेयर परिषद के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश उपराज्यपाल ने नगर पालिका परिषद को दिए हैं। उपराज्यपाल का कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम की जाँच के बाद ही उपराज्यपाल ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। अंडमान हर पल में आज उतना ही, फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।